हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज हम फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनाएंगे आज हम। यह फ़्रॉक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां वो बहुत ज़्यादा बनवा रही हैं आजकल। तो ये हम पहले फ़्रॉक की बॉडी तैयार कर लेंगे। ये मेरे पास कपड़ा है, इसको मैंने ये देखें पहले डबल तह लगा लिया हुआ है, और उसके बाद इसको इस तरीके से चार तह में मैं इसको तह लगा लूँगी इस तरह से ऐसे। तो जो हमें ऊपर वाली बॉडी की लंबाई चाहिए वो 15 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप जितनी पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन 15 इंच जो है मेरे ख्याल में परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए मैं इसको सारी को कटिंग कर लूँगी नीचे से ऐसे। तो इसलिए कटिंग हमने कर ली है, अब हम ऊपर तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा हम ले रहे हैं इसका 7 इंच हमने तीरा लिया है, इसका कंधे इसके हमने 8 इंच लिए हैं, और इसके चेस्ट जो हैं वो हमने लिए हैं 21 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो इसके कंधे हैं, कंधों को हम मार्क करके सीधा उसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ से देखें इसको अलहदा कर लेना है, फ्रंट और बैक पीस दोनों अलहदा अलहदा करके दोनों एक दूसरे के ऊपर हमने रख लेने हैं। तो इस तरह से हम जो है गले की करेंगे मार्क, चौड़ाई इसके 3 इंच लेंगे, बैक गला हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और फ्रंट गला हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 से 4 इंच के दरमियान में रखिएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे से हमने मज़ीद गहराई करनी है तो गला हमारा बड़ा ना हो जाए। अच्छा, बॉडी के नीचे से जो फिटिंग है ना वो हमने चेस्ट से 1 इंच कम रखी है। तो यहाँ पे ये जो कंधों की 1/2 इंच कटिंग करते हैं, ये देखें मैं सिर्फ फ्रंट की कर रही हूँ, बैक की मैंने नहीं की। और अब यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी कंधों की गहराई दे लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे अब हम इसकी थोड़ी सी गहराई देंगे, गहराई किस तरीके से देनी है उसको आप गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऊपर को 1/2 इंच छोड़ना है, यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे सिलाई के लिए, और उसके नीचे फिर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे, यानी टोटल 2 इंच का हमने मार्क करना है। वैसे ही यहाँ 1/2 इंच सिलाई के लिए और 1.5 इंच हम नीचे गले के लिए जो है वो हम मार्क कर रहे हैं, यानी कि 2 इंच पे। अब यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाए हैं इन दोनों के दरमियान में जो फासला है, ये हम देखेंगे ये 5 इंच से थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है वो कम है। अब हमने बुकरम ली है, बुकरम का पीस लिया है, वहाँ पे हम जितना हमारा फासला है उसको ये देखिए हमने फोल्ड किया है, क्योंकि बुकरम का पीस भी फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि कितना आ रहा है फोल्ड करने के बाद, एक दफ़ा तय लगाने के बाद। तो यहाँ पे जितना भी आएगा उसका निशान ले लेना है, और गहराई हम इसकी 6 इंच ले रहे हैं यहाँ पर, और साइड पर हम 1-1 इंच पर मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे, अंदर वाली साइड से भी और बाहर वाली साइड से भी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे, और इसको हम नेक के ऊपर रख के, बिल्कुल निशानों के ऊपर रख के हम इस तरीके की मदद से चिपका लेंगे। तो चिपकाने के बाद अब हमने क्या कर रहे हैं कि बॉडी का एक पीस जो है वो फ्रंट वाला वो सीधा रखेंगे, और जो बैक वाला पीस है उसके ऊपर वो उल्टा रखेंगे, और कंधे जो हैं वो सिलाई कर लेंगे, कंधों की सिलाई कर लेंगे दोनों कंधे। इस तरह से हमने कंधे दोनों सिलाई कर लिए हैं इसके लिए। देखें अब ये जो बुकरम के दरमियान में कपड़ा है, इजाफी कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे कटिंग करके। अभी हमने पट्टी ली है, 1.5 इंच की पट्टी ली थी हमने, एक साइड से थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग की है, तो 1.5 इंच से थोड़ी सी कम बची है। तो लंबाई इसकी मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, लंबाई इसकी 37 इंच हमने ली है। तो इसको अब हम मशीन से चुनर्स दे लेंगे, चुनर्स हमने इतने देनी है कि ये गले के बराबर पूरी आ जाए। अब यहाँ से जहाँ से हमने बुकरम का जो है निशान लगाया था वहाँ से हम इसको रखेंगे, और रेप पट्टी ली है मैंने तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, या 1 इंच आप लगा लें, उसको फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर रखते हुए मैं सारा सिलाई कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई भी कर लिया है इसको, अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करते हुए आपने बहुत ख्याल से सिलाई लगानी है कि ये जो हमने पाइपिंग निकालनी है इसके ऊपर ना आए। फोल्ड करते हुए हम बारीक बारीक पाइपिंग इसकी लेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग इसकी ली है, और सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल पाइपिंग की के साथ साथ लगाई है, और बहुत प्यारी हमारी पाइपिंग निकल के आई है। यहाँ पे अब हम कपड़े का एक पीस लेंगे और इस तरह से गले को इसके ऊपर रख के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम चॉक या पेंसिल जो भी आपके पास है आप उसके साथ ऐसे निशान लगा लें। ये जो पीस है ये हमने थोड़ा सा बड़ा लेना है बुकरम से, अपने गले से थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि उसको हमने फोल्ड करना है।
मैं आपको बताती हूँ इसको हमने किस तरीके से लगाना है। आप देखें, हम इसकी आराम से कटिंग करके ये पीस जो है निकाल लेंगे और इसके बाहर से भी कटिंग करेंगे, इसको बराबर करेंगे और तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पीस हमने तैयार कर लिया है। अब हम बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे ऐसे लेंगे और इसका ये जो कोना बना हुआ है ये बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। और ये देखें, जितनी ऊपर को बढ़ रही है, ये देखें ये कपड़ा जितना ऊपर को बढ़ रहा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से बढ़ता हुआ जो कपड़ा है उसको हमने इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको सीधा करने के बाद इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पे देखें, ये फोल्ड करने की वजह से यहाँ से कितनी सफाई आई है, वो सिलाई वगैरह धागे वागे कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और इस तरीके से हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें, हमने इसको मोड़ के पाइपिंग निकाली है। ये पाइपिंग भी हमारी बहुत साफ़ सुथरी से निकली है। तो ये जो उल्टी साइड पे कपड़ा है इजाफी, इसको हम बाद में यूं मोड़ के सुई की मदद से तरपाई कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी, गला जो है वो प्यारा नहीं लगता फिर बना हुआ। तो ये देखें, गला हमारा कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया। अब हम बाजू तैयार कर लेते हैं। बाजू के लिए हमने इलास्टिक ली है, आप उतनी इलास्टिक ले लें जितनी कि आपके बाजू की कलाई है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे देखें, मैं इस तरीके से इलास्टिक को रख रही हूँ और कपड़े को ऊपर से फोल्ड किया है। यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर मैं पहले सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे ऐसे, और अब मैं यहाँ से सिलाई फोल्ड करती जाऊँगी कपड़े को और सिलाई लगाती जाऊँगी। सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है। इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई कपड़े के ऊपर आनी चाहिए ऐसे। तो अब आखिर में मैं दोबारा से इलास्टिक को कपड़े के साथ यहाँ पे, ये देखें, इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा के मैं कपड़े के साथ इसको जोड़ लूँगी ताकि ये निकले नहीं, आगे पीछे नहीं हो। अब हाथ की मदद से मैं चुनर्स जो हैं वो सेट कर लूँगी, फिक्स कर लूँगी जहाँ पे मुझे ज़्यादा चाहिए। और इसको हल्का हल्का खींचते हुए मैं एक सिलाई ऊपर लगा लूँगी इस तरह से। ऐसे हमारे बाजू जो हैं बहुत प्यारे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैं दोनों बाजू तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। इलास्टिक वाले बाजू बहुत अच्छे से बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है वो बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास दो कपड़े हैं, एक ये प्रिंट वाला कपड़ा है और एक ऊपर ये प्लेन है। ये हमने दो पार्ट में जो है नीचे वाला हिस्सा इसका बनाना है, फ्रॉक का घेर वाला हिस्सा। ये देखें, बैक और फ्रंट के मेरे पास प्लेन के दो पीस हैं। पहले हमको प्लेन पीस जो है वो जोड़ना है बॉडी के साथ। इसकी लंबाई में आपको बता देती हूँ मेरे पास कितनी है। ये देखें, लंबाई इसकी 43 इंच है। यहाँ पे इसको मैं इसके साथ जोड़ लूँगी अच्छे से। ये जो प्रिंटेड पार्ट है इसको मैंने नीचे लगाना है, ये बिल्कुल नीचे आएगा फ्रिल बन के। इसको हमने बॉडी के साथ अटैच नहीं करना, बॉडी के साथ प्लेन कपड़ा जो है वो अटैच करेंगे और ये जो प्रिंटेड है ये हम नीचे लेके आएंगे। ये असल में बॉर्डर बना हुआ था फ्रॉक का, तो वो है। इसकी चौड़ाई जो है ये देखें, 12 इंच से 12.5 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे। और जो वाइट वाला है उसकी जो चौड़ाई है वो मेरे ख्याल से 9 इंच है, इससे थोड़ी सी छोटी हमने रखी है चौड़ाई में। और लंबाई में भी ये 9-10 इंच प्लेन वाले पीस से बड़ा है। ये देखें, यहाँ पे ये मेरे पास 52 इंच है और वो मेरे पास था प्लेन वाला जो था वो 42 था। तो इसको हम बाद में जोड़ेंगे बॉडी के साथ। पहले हम बॉडी जो है उसको तय लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों को, और कट लगा लेंगे यानी कि इनका हम सेंटर कर लेंगे दोनों का। और वैसे ही हमने जो प्लेन वाला कपड़ा है फ्रिल हमने नीचे लगानी है उसका भी सेंटर कर लिया है। अब मैं दोनों सेंटर जो हैं वो मिलाऊंगी और सेंटर से मैं सिलाई स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से चुनर देते हुए जो फ्रिल वाला कपड़ा है उसको बॉडी के कपड़े के मुताबिक पूरा कर लूंगी चुनर्स देते हुए। यहाँ पर हमने ये देखें बैक और फ्रंट दोनों को इसी तरीके से जोड़ लिया है चुनर देते हुए। तो ये जो वाइट वाला कपड़ा है प्लेन वाला, ये देखें फ्रिल बना के लगाएगी, इसका भी हमने सेंटर पहले से कर लिया हुआ है। और अब हम प्रिंटेड जो कपड़ा है उसका सेंटर भी देखें कर लेंगे यहाँ पे। और सेंटर जो है दोनों के मिलाते हुए
हम चुनर्स लगा के हल्की हल्की उसको साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखें, नीचे वाला जो कपड़ा था उसको भी हमने जोड़ लिया उसके साथ। अब इसकी साइड जो है फ्रॉक की, वो हमने सिलाई कर लेनी है। साइड सिलाई करने के बाद नीचे से मैं इस तरीके से इसकी फोल्डिंग भी साथ ही कर लूँगी। यहाँ से इतना इतना सा मैं देखें थोड़ा सा बिल्कुल ना रेड कपड़ा में छोड़ रही हूँ। तो अब हमने साइडें सिलाई कर ली हैं। यहाँ पे देखें मैंने कंधों की जो सिलाइयाँ होती हैं ना ऊपर वाली, उनको बराबर करके पकड़ा है और 1.5 इंच पे यहाँ पे मैंने दोनों कंधों पे निशान लगा लिया। अब मैं बाजुओं को इसके साथ जोड़ूंगी। तो यहाँ पे देखें बाजू की सिलाई को और जो हमारी फ्रॉक है उसका बगल वाली जो सिलाई होती है उसको हमने जोड़ के यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। यह निशान मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अब यहाँ से सिलाई करती हुई मैं ऊपर वाली कंधे की जो सिलाई होती है वहाँ तक जा रही हूँ, यानी नीचे से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर को जा रहे हैं कंधे की तरफ को। ये देखें ऐसे, मैं पूरा बाजू आपको लगा के दिखाऊंगी, उसके बाद दूसरा बाजू जो है वो मैं लगा लूंगी ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ भी आपको पूरा बाजू लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे हमने कट लगाया था, निशान लगाया था 1.5 इंच पे, वहाँ पे आके मैंने सिलाई छोड़ दी है और दोबारा से जहाँ से हमने पहली वाली जो सिलाई थी वो स्टार्ट की थी वहीं से दूसरी सिलाई जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि बैक वाली सिलाई। पहले मैंने फ्रंट वाली सिलाई लगा ली है कंधे की। तो ऐसे ही मैं सिलाई को भी लगाते हुए ऊपर वाले निशान तक जाऊँगी जो हमने लगाया है 1.5 इंच पे। यहाँ पे हमने निशान लगाया होगा। तो यहाँ पे देखें, यह निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें बाजू की जो चुनर्स हमने देनी है वो कहाँ से कहाँ तक देनी है। तो ऐसे हमारी बिल्कुल बराबर चुनर्स आ जाती हैं बैक और फ्रंट वाली साइड पे। यहाँ पे देखें कंधे की सिलाई को और जो बाजू का हमने सेंटर किया हुआ था उसको मैंने मिलाया है, और जो दरमियान में कपड़ा आ रहा है फालतू एक्स्ट्रा उसको मैं बारीक बारीक चुनर्स देते हुए यहाँ पे पूरा कर दूँगी। इस साइड के कपड़े को मैं इसी साइड पे पूरा कर दूँगी, सिलाई और जो फ्रंट वाला बाजू का निशान है उसको बराबर रखते हुए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे मैं सेंटर में आ गई हूँ बिल्कुल। अब तो अब यहाँ से जो दूसरी साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं वैसे ही चुनर देते हुए इसी 1.5 इंच में पूरा करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो चुनर्स हैं वो बिल्कुल बराबर आती हैं दोनों तरफ से, और बहुत आसानी से जो हमारा बाजू है चुनट वाला वो बन जाता है। हमें हल्की हल्की चुनट देनी है इस बाजू में, बहुत ज़्यादा चुनर्स हमें नहीं चाहिए थी। तो आपने जितनी चुनर्स भी देनी हो आप निशान लगा लें पहले, उसके हिसाब से फिर उन निशान के दरमियान में आप उस कपड़े को चुनर्स देते हुए पूरा कर लें। तो देखें इधर कितनी सफाई से और कितनी प्यारी बारीक बारीक सी चुनर्स हमारी बराबर पूरी हो गई हैं। तो ऐसे ही मैं दूसरे बाजू को भी जोड़ लूँगी और ऐसे ही उसी की भी चुनर्स दूँगी और फ्रॉक को जो है रेडी कर लूँगी। यहाँ पर देखें जी फ्रॉक हमारी रेडी हो गई है, और ये देखें इसकी फाइनल लुक। कहीं से भी ये घर की सिली हुई फ्रॉक नहीं लगती, बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक बन गई है। इसको आप सिलाई करें, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में पता नहीं आपको कैसी नज़र आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब इसको सिलाई करके पहनेंगी तो आपको पसंद आएगी, लाजमी पसंद आएगी आपको। और इसके साथ आप टाइट्स इस्तेमाल करें चाहे जीन इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ें ही बहुत प्यारी लगती हैं इसके साथ। ये देखें कितनी प्यारी ये फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मैं आपको नीचे चारपाई पे डाल के भी इसको मुकम्मल दिखा देती हूँ। घेरा इसका नीचे से काफ़ी खुला बना है यहाँ पे।
तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा पहन रही हैं आजकल ये फ्रॉक्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप भी बनाएं और इसको पहने, देखें कहीं से भी ये घर की सिलाई लग रही, बिल्कुल रेडीमेड लग रही है। इसी तरीके से आप भी सिलाई करेंगे तो आपकी भी बहुत प्यारी ऐसे ही फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दें। बहुत जल्द मिलूंगी नई वीडियो में नए डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।